हेलो 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 गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मैं राहुल पटेल, एमडी एंड फाउंडर ऑफ द सोफ्टमा एजुकेशन ग्रुप। बेसिकली इन दिनों में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है हमारे सामने। बच्चे अभी 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आउट ऑफ 15 लाख जो सीट्स इंडिया में बहुत कम है। तो मेजोरिटी स्टूडेंट को अब्रॉड जाने की जो सोच है, जिसको एमबीबीएस का ड्रीम है, दिक्कत वहां पे आ रही है उन लोगों को कि एमबीबीएस अब्रॉड करना तो है, लेकिन कौन सी कंट्री अच्छी है हमारे लिए और कौन सी कंट्री का एजुकेशन किस प्रकार का है। देखिए, पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वीडियो के अंदर, वो बेसिकली बातचीत हमारी होगी चॉइस ऑफ सिलेक्शन, हाउ टू चूज द यूनिवर्सिटी। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट। सो चूज करने का एक जरिया होता है, एक तरीका होता है। देखिए, बहुत सारे लोग आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में घूम रही है आज की डेट में, उनको जहां से अच्छा पैसा मिल रहा है वो यूनिवर्सिटी का पिक्चर लेके आ जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी का वीडियो लेके आ जाएंगे, वहां का मैस दिखाएंगे, वहां का भी है कि नहीं वो कंफर्म नहीं होता है, वहां के हॉस्टल के फोटो दिखाएंगे, वही भी वो भी सेम चीज है, वहां का है कि दूसरे को होटल का है वो किसी को पता नहीं होता है। सो विच इज द बेटर ऑप्शन एज फार एज एजुकेशन लेवल। सी, हम लोग पिकनिक करने नहीं जा रहे हैं। अगर बच्चे को आप पिकनिक करने भेज रहे हैं या फिर बच्चे खुद जा रहे हैं, खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको सोचना है कि एमबीबीएस की पढ़ाई है, मेडिसिन की पढ़ाई है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे टफ मानी जाती है, और वो टफ एग्जाम के लिए अगर हम लोग एकोमोडेशन को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम लोग फूड को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, एजुकेशन को कोई पूछ ही नहीं रहा है किस प्रकार का एजुकेशन है, क्या दिक्कतें हैं वहां पे इंडियन स्टूडेंट को, उसके ऊपर कोई डिस्कस ही नहीं हो रहा है। जो भी डिस्कस हो रहा है, यस वहां पे इंडियन फूड मिलेगा, मिलेगा, पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, चलो भाई बच्चे को खाना मिलेगा। अरे भाई, खाने के लिए बच्चे को भेज रहे हो कि पढ़ाई करने के लिए? पहले सोचना है यहाँ। पेरेंट्स को नो डाउट, पेरेंट्स का एक इमोशन रहता है बच्चे के साथ कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई भी स्टेट में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर गुजरात का बच्चा आया है तो वो यूपी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यूपी वाले बच्चे को आप हरियाणा में भेज देंगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हरियाणा वाले बच्चे को आप बैंगलोर में दे देंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जहां तक उसको खुद का नेटिव का फूड खुद को पकाना नहीं आता है। ये खास ध्यान रखना, अगर इंडिया में ही एक स्टेट का फूड दूसरे स्टेट में इजीली वही सेम मेथड से अवेलेबल नहीं, तो आप अब्रॉड के अंदर ये एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं? सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करता हूं, हम अगर बात करते हैं कि अगर आप केरला के अंदर खाने चले जाइए, केरला का जो फूड रहता है वो वहां पे कोकोनट ऑयल में पकाया जाता है, अगर केरला में एडमिशन लेगा तो बच्चा क्या खा पाए? नहीं। तो भी जिसको ऑल इंडिया कोटा में केरला मिल रहा है वो केरला भी जाने वाला है, उस टाइम पे पेरेंट्स नहीं पूछ रहे हैं कि क्या खाना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। दूसरी बात आती है लैंग्वेज की, लैंग्वेज ऑफ द स्टडी। सी, अब्रॉड में एक चीज तो अच्छी है कि वहां पे सेकेंड ईयर के अंदर बच्चे को वही लैंग्वेज पढ़ाई जाती है जो लैंग्वेज में वो थर्ड ईयर से पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने वाला है इन द क्लिनिकल रोटेशन। अब यही सिनारियो को हम इंडिया के अंदर लेके आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बच्चा है पंजाब का, उसको हमने कर्नाटका में एडमिशन दे दिया है हैदराबाद में। थर्ड ईयर में क्या वहां का बच्चा पंजाबी में बात करेगा? वहां का बच्चा उसकी नेटिव लैंग्वेज बोलने वाला है, तमिल तेलुगु जो भी होगी वो। आपके बच्चे को आएगी? नहीं आएगी। क्यों? फॉरेन में तो वो सब्जेक्ट 6 महीने पढ़ाया भी जाता है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द पेशेंट, इंडिया में वो मेथड ही नहीं है।
कि बच्चा वहां की लैंग्वेज सीख पाए और पेशेंट से इंटरेक्शन कर पाए। जो बच्चे को वहां की लैंग्वेज नहीं आ रही है, जो बच्चा पेशेंट से प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा कैसे वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाएगा। सो जब हम लोग अब्रोड को इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंडिया भी डिविजन ऑफ द स्टेट है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग बोली है, अलग अलग फूड है, डिफरेंट काइंड ऑफ एकोमोडेशन है। हर स्टेट में आप जाएंगे टेम्पल भी देखेंगे, भगवान के मंदिर तक अलग है आपने यहाँ पे। फॉरेन में वो चीज तो सही है कि हर जगह पे आपको चर्च मिलेगा, तो चर्च एक कॉमन मेथड से बनाया होगा, कोई अलग अलग मेथड वाला नहीं दिखे जाता आपको। सो हम इंडियन हैं, अपने अंदर वो काबिलियत है कि हम लोग कहीं पे भी जाके डर जाते। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको नॉन वेज खाना है, वेज खा रहे हो तो मत खाइए, मैं खुद भी उसके अगेंस्ट हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। लेकिन वहां पे वेज चीजें अवेलेबल होती है इजीली, अगर आपके बच्चे को पकाना आ रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी है, मेस भी अवेलेबल है वहां पे। लेकिन द क्वालिटी ऑफ द फूड इज नॉट प्रॉपर इफ वी विल गोइंग टू कंपेयर विद द इंडिया। तो हमको सबसे पहले प्रायोरिटी एजुकेशन सिस्टम को देना है, नहीं के वहां के खान पान को या वहां के रहन सहन, वो चीजें तो इंडिया से बेटर ही है अब्रोड के अंदर। और दूसरी बात, कोई भी बच्चा कोई भी स्टेट में जाएगा या कोई भी कंट्री में जाएगा, इवन आपके स्टेट में दूसरी सिटी में जाएगा, तो उसका कंप्लेंट रेशियो 20-25% तो होने ही वाला है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट रहती है शुरू में अप टू 3-4 मंथ, उसके बाद बच्चा वेल सेट हो जाता है। लेकिन अपने को वहां पे देखना है एजुकेशन का, अगर वो प्रॉपर नहीं मिला तो बच्चा वहां पे पढ़ाई करके आएगा, उसके डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा, उसके पास सिर्फ रद्दी के पेपर होंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो अब्रोड के अंदर जो कंट्री को सिलेक्ट करना है तो कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करना है, वो मैं जस्ट आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात आती है हमारा बजट कितना है, बराबर है। दूसरी बात आती है ट्वेल्थ में परसेंटेज कितने हैं, और थर्ड चीज आती है नीट के अंदर मार्क्स कितने हैं। ये तीन चीजों पे पहले वर्कआउट करना है आपको। अगर आपके ट्वेल्थ के अंदर HSC बोर्ड के अंदर 50% है, हम लोग कुछ कैटेगरी फाइनल कर लेते हैं, या 60% है, 70% है, या फिर 80% है। अभी जहां भी ये 50% वाला बच्चा आएगा, सी मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द MBBS इज नेट क्वालिफाइड and 50% in the HSC subject, and SC/ST/OBC के लिए 45, maybe शायद MCA इस बार revise कर सकता है 45 और 40 की category में, कि 50 का 45 करेगा और जो 45 उसको 54 और 40 भी कर सकता है। So वो अभी confirm नहीं है, लेकिन वहां तक अपने को consider करना है 50% and NEET qualified। अगर ये बच्चा रहता है आपके पास, सर देखिए एक बात है, बच्चों को ये चीज समझनी जरूरी है, आपके ट्वेल्थ में 50% आए उसका मतलब ये नहीं कि आप MBBS की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। MBBS इट्स बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज। 95% वाला बच्चा है, लेकिन जब डेड बॉडी उसके सामने लाई जाती है डिसेक्शन करने के टाइम पे एनाटॉमी के सब्जेक्ट के अंदर, और वहां पे वो बेहोश होकर गिर जाता है, और सामने ही दूसरा बच्चा है जो 50% लेके आया हुआ है, उसके सामने डेड बॉडी रखते हो फटाफट काट कुट कर लेते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि 95 वाला बच्चा है वो एक्सपर्ट डॉक्टर बनेगा, 50 वाला नहीं बन पाएगा। इट्स एवरीथिंग ऑन द बेस्ड ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड योर मेंटल पावर, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, बराबर है। सो सबसे बड़ी चीज याद रखनी, अगर आपके 50% है तो आपकी कैटेगरी हिसाब से कंट्री सिलेक्ट कीजिए।
कोई आपको ऐसा बोलता है कि 50% में आपको चाइना मिलेगा तो गलत है। 50% पे चाइना की कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। लेकिन कुछ एजेंट लोग ऐसे हैं मार्केट में जो क्या करते हैं, सी अभी एलिजिबिलिटी लेटर तो लेना नहीं है आपको, नीट आप क्वालिफाइड हो। एजेंट लोग क्या करते हैं, फर्जी मार्कशीट बनाते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, वो मार्कशीट के बेस पे आपको चाइना में एडमिशन करवा दिया जाता है। बच्चा वहां पे जाता है, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसके वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो होते हैं एचएससी वाले वो छुपा जाते हैं, उसको बोला जाता है भी ये अंदर रख दे, मैं देता हूँ वो दिखा दे। बच्चे ने दिखा भी दिया, काम खत्म भी हो गया। लेकिन लेकिन इन फ्यूचर अगर चाइनीज गवर्नमेंट को ये चीज पता चली तो अपने इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन तो थोड़े भी अच्छे हैं, चाइना के उतने अच्छे नहीं है, बच्चा बुरी तरह फंसेगा वहां। सो ये चीज खास ध्यान रखनी है, बिलो 70% चाइना की कोई भी यूनिवर्सिटी, हाँ एक दो यूनिवर्सिटी है जो 68 पे एडमिशन दे रही है, वो है अनहुई एंड वेंजो। यहाँ पे 68% की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पीसीबी में इंडिविजुअल एवरेज 68 नहीं चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बिलो 70 चाइना के अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो 50% and 60% आपके जहां पे आते हैं तो ये दो कैटेगरी में कौन सा कंट्री आपको मिलेगा? अगर सीक्वेंस वाइज देखने जाते हो, यूक्रेन मिलता है, कजाकिस्तान मिलता है, बेलारूस मिलता है, फिलीपींस मिलता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, मॉरिशियस, मलेशिया, अजरबैजान, ये सब कंट्री के ऑप्शन है। और दूसरा है कैरेबियन। कैरेबियन तो सर आपको 40 में भी दे देंगे। कैरेबियन क्यों लोग चूज कर रहे हो पता नहीं चल रहा मेरे को। मार्केट में 85 लाख में जा रहा है, कोई 45 में भेज रहा है, कोई 35 में भेज रहा है, कैरेबियन के अंदर है क्या? कैरेबियन का वर्ड होता है एमबीबीएस इन यूएसए करके लोग बेच रहे हैं, लेकिन बच्चे को आप डाल रहे हो वेस्ट इंडीज के अंदर। वेस्ट इंडीज इज नॉट अ सेफ जोन, अगर सेफ्टी की बात आ रही है तो। कैरेबियन को मैं बोलता हूं वहां तक अवॉइड किया जाए उतना बेटर है। क्यों? सबसे पहली बात आती है ज्योग्राफी। हमने अभी जस्ट बात जो की है ऑप्शन अवेलेबल ऑन द 50-60, अभी आगे हम लोग बात जो करेंगे 70 और 80 के बाद, बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन और बचता है, रशिया, हम भूल गए, सबसे बड़ा ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है उसमें से अवॉइड कौन कौन से करने चाहिए? कैरेबियन ना सिलेक्ट करें उतना अच्छा है। कैरेबियन बेसिकली डिजाइन हुआ है यूएसए के बच्चों के लिए, कि जो बच्चे वहां पे एमकेट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं वो लोग बीएस का एडमिशन लेते हैं कैरेबियन में और एमडी के लिए फिर चले जाते हैं यूएस के अंदर, क्योंकि वो वहां के सिटीजन है, उनको एंट्री लेना इजी है उनके लिए। लेकिन अपने बच्चों के लिए वीजा टफ है और ट्रम्प आने के बाद तो बहुत ही टफ है, और आगे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। बच्चा जब कैरेबियन में जाता है उसका ड्रीम होता है यूएसए का, लेकिन वो ड्रीम फुलफिल नहीं होता है तो बच्चा मेंटली वहां पे टूट जाता है, और बच्चा कुछ गलत कर लेगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी, नहीं कि कोई कंसल्टेंट जो करवा रहा है उसकी, वो तो ऊपर हाथ खड़े रख के खड़ा हो जाएगा। सो बच्चे के ड्रीम के साथ एज ए पेरेंट्स आपको नहीं खेलना चाहिए। कंसल्टेंट लोग बिजनेस लेके बैठे, उनको तो मुनाफा हो रहा है, वहां पे वो लोग जाने वाले हैं, सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, कोई कर रहा है एयूबी, कोई कर रहा है स्पार्टन, कोई कर रहा है वॉशिंगटन, कोई कर रहा है गयाना। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑल कंट्री? इट्स ऑल आर द वेस्ट इंडीज। एंड व्हेन आई शो यू द ज्योग्राफी ऑफ द कैरेबियन, यू विल ऑल्सो नॉट एबल टू सर्वाइव ओवर देयर, एंड आफ्टर दैट यू विल सेंड योर सन और डॉटर टू होम देयर, इट्स योर बिग फॉल्ट। सो कैरेबियन को ऑलवेज अवॉइड कीजिए। मलेशिया की बात करते हैं, बहुत महंगा ऑप्शन है, अवॉइड कीजिए। मॉरिशियस
इट्स अ टूरिज्म प्लेस, ऑप्शन नहीं है वहां पे, उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी नहीं है. आर्मेनिया, जॉर्जिया, सी भेज सकते हो अगर आपका खुद का क्लिनिक है, बच्चे को यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने के, आपके पास लोकल सोर्स अवेलेबल है, आप भेज सकते हो. ये ऑप्शन लास्ट में रख सकते हैं. फिलीपींस, यस, लास्ट में आप सोच सकते हो. लास्ट ईयर तक नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन इस साल अभी सोच सकते हो. अभी उसका क्या रीजन था वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. बेलारूस, यस. कजाकिस्तान, यस. यूक्रेन, रशिया, यस. लेकिन जो यहाँ पे अजरबैजान, इस साल नया उभरता हुआ कंट्री, नए को प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है उतना जितना दूसरी कंट्रीज को है, तो इसको एक दो साल पूरा ना होने दो, उसके बाद सोचेंगे तो अच्छा रहेगा. अदरवाइज अभी ये चार कंट्री के बारे में जितना ना सोचो उतना अच्छा है. जॉर्जिया, आर्मेनिया मैं छोटा क्रॉस दूंगा यहाँ पे, सोच सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जब कुछ नहीं ऑप्शन है तो वो एक ऑप्शन बचता है. ये बात हो गई ये सब 50-60% वाले की. अभी हम लोग बात करेंगे 70-80 वालों. यहां पे उनके लिए ऑप्शन ओपन होता है चाइना, बाकी सब जो कंट्री थी वो तो अवेलेबल है. चाइना इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूं, चाइना लोग प्रमोट कर रहे हैं 5 साल के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी नाउ दे विल टेक फीस फॉर द 6 ईयर. सो अगर आप बजट कैलकुलेट कर रहे हो तो इंटर्नशिप आप वहां पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको वहां पे 6 साल का फीस पे करना ही करना. सो चाइना का पैकेज अगर आप काउंट कर रहे हो तो 6 साल के हिसाब से काउंट करो, नहीं कि 5 साल. मार्केट में कंसल्टेंट लोग आज भी 5 साल प्रमोट करते हैं सिर्फ अपना पैकेज अच्छा दिखाने के लिए. पैकेज काउंट करने का मेथड ही गलत है हम लोग का. हम लोग 6 साल को टोटल काउंट कर रहे हैं. सी, सिर्फ एक ही दो ही काउंटिंग होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का पैकेज एंड सेकंड है सेकंड टू सिक्स, ये दोनों को टोटल करिए. जब दूसरा बंदा आपको फर्स्ट ईयर ऑफर कर रहा है तो ये दोनों का कंपेरिजन होना चाहिए, नहीं कि पूरे 6 साल का कंपैरिजन करो. यहाँ पे तो पूरी गेम खेली जाती है 6 साल में. ये फर्स्ट ईयर का आप टोटल कंसल्टिंग और यूनिवर्सिटी फीस एवरीथिंग आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हु इज द बेटर और हु इज नॉट बेटर. दूसरी चीज, जो कंसल्टेंट आपको यहाँ पे कम दिखा रहा है वहां पे जाके आपको लूटने वाला है, तो उससे पहले से एडवांस में लिखवा लो कि भाई हिडन जो भी कॉस्ट है तो हमको ऑन पेपर, ऑन स्टैम्प पेपर लिख के दे, और उससे ज्यादा एक भी रुपया खर्च होता है तो तेरे को पे करना है, हम नहीं करेंगे. इतना आप अगर गारंटी ले पाओगे कंसल्टेंट से तो आप $1,000-2,000 के खर्चे से बच जाओगे, वरना वो रुपया आपका एडिशनली वेस्ट होना ही होना है. सो जब यूनिवर्सिटी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने को सोचना है 12th में कितने परसेंटेज है, नीट कितना है और बजट क्या है. सी, 12th भी होगा नीट भी होगा, लेकिन बजट का इश्यू है यहाँ पे. बजट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कीजिए आप. मैं यहाँ पे आपके सामने कोई भी यूनिवर्सिटी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंट्री प्रमोट नहीं कर रहा हूँ. आई विल गाइड यू हाउ टू चूज द कंट्री और हाउ टू चूज द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड योर क्वालिफिकेशन. So, ये चीजें बहुत मायने रखती है. मेरे को आज की डेट में कोई कंट्री प्रमोट करनी होती मैं कर चुका होता अभी इतनी देर में, आपको अच्छा भी लग चुका होता, 3-4 लोग की इंक्वायरी भी कर ली. दिस इज नॉट अ बिजनेस. जब हम बच्चे की कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, जैसे पेरेंट्स आप क्या सोच रहे हो मेरे को पता नहीं है, दूसरे कंसल्टेंट क्या सोच रहे हैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब मैं सोच रहा हूँ या फिर मेरी कंपनी सोच रही है, हमारा सोच डिफरेंट है. हम सोच रहे हैं बच्चे को क्या बेटर दे सकते हैं. मनी इज नॉट अ मैटर. सी, मैं अच्छी सर्विस दूंगा, आपसे पैसे लूंगा, आप देने वाले हो, लेकिन पैसे लेने के बावजूद अगर मैं आपको अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूं, सेकेंड ईयर मेरा नाम खराब होगा ही होगा. दूसरे लोगों को ये पड़ी नहीं है,
दूसरे कंसल्टेंट लोग ये सोचते हैं कि इस साल जितना लपेटना है लपेट लो, सेकेंड ईयर देखने को मिला नहीं मिला क्या पता, दिस इज नॉट अ बिजनेस. एज अ बिजनेसमैन, एज अ करियर एडवाइजर, दिस इज माय ड्यूटी और माय कंपनी ड्यूटी टू गाइड द स्टूडेंट what is the better option for you and how can you have to choose the your option. Koi aapko bolega aapne accept kiya, it's not a better. Kisi ne aapko bataya aapne search kiya, see net is available, Jio available hai Reliance ka, sab jagah pe net chal raha hai. Aisa nahi hai ki kisi ko net available nahi hai. Aaj ki date mein koi bol hi nahi sakta hai ki bhai net slow chal raha hai. Slow chal raha hai to slow chale, लेकिन सर्च तो करो कौन तुमको क्या दे रहा है. वो अगर गोल्ड लेने जा रहे हो तो गोल्ड के बारे में पता करते हो कि नहीं करते हो, कितने कैरेट का गोल्ड है, कौन से सुनार की कौन सी जगह पे अच्छी क्वालिटी मिलती है, उसके बाद वहां पे गोल्ड लिया जाता है. कपड़े लेने जाते हैं तो हम लोग ब्रांड के बारे में सोचते हैं कौन सी ब्रांड अच्छी है, लेकिन जब अपने कैरियर की बात आती है तो वो कैरियर का ब्रांड कौन सा अच्छा है वो हम लोग नहीं सोचते. मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड घूम रहे हैं जिनका कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. उस ब्रांड का नाम मैं लेने जाऊंगा तो सब सरप्राइज हो जाओगे. पर्सनली आप मेरे को कॉल करोगे तो बड़े बड़े ब्रांड का नाम भी मैं आपको बताऊंगा. मेरे को यहाँ पे ऑनलाइन मीडिया पे किसी के सामने बायस में नहीं निकलना. सो बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड है जो बच्चों को गुमराह करती है. किस तरह से गुमराह किया जाता है वो भी एक्सप्लेनेशन अगर जानना होगा मेरे से आप मिलिएगा पर्सनली, मेरे से फोन पे बात कीजिएगा, मैं आपको गाइड. एक तो मैंने चाइना वाला तो आपको बता ही दिया, बाकी यूक्रेन रशिया बहुत जगह पे अलग अलग टाइप का फ्रॉड होता है और बड़ी बड़ी कंपनी ही ऑलवेज फ्रॉड करती है. रीजन क्या होता है? रीजन वही होता है, उनको वहां पे जितना होता है उतना क्राउड इकट्ठा करना है. उनका एक ड्रीम होता है मैं इस साल 300 को ले जाऊं, मैं 500 को ले जाऊं. उनका ड्रीम ये नहीं होता है कि 100 को ले जाऊं और अच्छी क्वालिटी. बच्चे हैं जब पेरेंट्स अपने ऊपर भेज रहे, हमको भेज रहे, अपने हाथ में दे रहे हैं, देन वी हैव टू एक्ट एज अ सेकंड पेरेंट फॉर द स्टूडेंट अप टू 6 ईयर. अगर मेरा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरा खुद का लोकल प्रेजेंस नहीं है तो बच्चे को लोकल सपोर्ट मैं कहां से दे पाऊंगा? ये चीजें लोग नहीं सोचते. सो कभी मैं आपको जो चीज बताऊंगा जो अपनी अभी बात हुई थी कि कैरेबियन, अगर कैरेबियन में आप बात कर रहे हो तो सपोज गुयाना या फिर बेलिक्स, मैप के ऊपर चले जाओ, यहां पे जाके सैटेलाइट व्यू भी कर सकते. ये बेलीज क्या है? छोटा सा सिटी है, ये नहीं है, ये नहीं है बेलीज. एक्चुअली यहां पे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंच गायना, ये पूरा दरिया के नजदीक में आया हुआ है. यहां पे बच्चे जाते हैं, जो बच्चों से एक्सपीरियंस मेरा शेयर हुआ है, बच्चे बोलते हैं कि सर पानी भी अगर वहां पे नहाने के लिए निकालते हैं तो ब्लैक कलर का पानी आता है, सॉफ्टनर प्लांट तक अवेलेबल नहीं होते वहां पे. इट्स अ वेस्ट इंडीज. अगर आप देखेंगे इसको, अगर हम लोग कोई एक यूनिवर्सिटी लेते हैं अलेक्जेंडर, एमसीए का लिस्ट से उठाते हैं, आपको भी इजी हो जाएगा समझना. जरा बैलेंस, ये सबसे पहला यूनिवर्सिटी हम लोग लेते हैं, सर्च कीजिए आप, ये रहा यूनिवर्सिटी.
सेंटर अमेरिका हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपको कोई भी एंगल से लग रही है कि यूनिवर्सिटी है कहीं पे भी, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं खुद का कोई पिक्चर नहीं दिखा रहा आपको, एक जंगल के बीच में आ हुआ है बिल्डिंग है, आजू बाजू में कोई बस्ती नहीं है, पेशेंट कहाँ से आएगा, अगर कोई दिक्कत आती है बच्चा किधर भागेगा, पूरा जंगल के बीच में आया हुआ यूनिवर्सिटी, बच्चे को आप यहाँ पे डाल रहे हो, सिटी का नामो निशान कहाँ है, मेरे को दिखाइए एक भी घर दिख रहा हो तो आपको, और वो भी घर है तो कैसे है अलग अलग। दूसरा देखते हैं कोलंबस सेंट्रल, सर आज मैं आपको ये पूरा कैरेबियन दिखा के रहूंगा, ये रहा कोलंबस सेंट्रल, कितना छोटा आइलैंड है वो देखना है आपको, दरिया के नजदीक में आया हुआ ये, कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है देख लो आप, पिक्चर इतने बड़े दिखाए जाते हैं कि हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं वहां पे जाने के लिए, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इधर मैप पे ही नहीं दिख रहा है, ये रहा ये सेंट लूसिया के अंदर, ये रहा सेंट लूसिया क्या है, एक छोटा सा आइलैंड, ये रहा स्पार्टन जो सबसे ज्यादा चलता है आपका, ये रहा स्पार्टन, एक शेड के अंदर यूनिवर्सिटी चलती है, इट्स नॉट लाइक हॉस्पिटल, अगर हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल की, ये एक आइलैंड है सेंट लूसिया में, ये वाला आजू बाजू में दरिया ही दरिया है, दरिया के बीच में आप बच्चे को डाल रहे हो, जहां पे अगर बोरिंग भी करेंगे आप पानी खारा निकलेगा, उनका खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं है, फूड आपका महंगा मिलेगा आपको वहां पे, ये ऐसे आइलैंड है छोटे 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 छोटे, इट्स कॉल्ड कैरेबियन, पूरा वेस्ट इंडीज जोन है। अब यहां पे बच्चे को भेज रहे हो जहां पे सुनामी भी कल आएगी तो क्या होगा किसी को पता नहीं, और सुनामी का आपको पता ही है कि हर साल अभी शुरू हो चुका है, 5 साल पहले हम लोग सुनामी देखते भी नहीं थे, लेकिन हर साल अभी सुनामी कहीं ना कहीं पे आती है। सो सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चे को कैरेबियन में मत भेजिए, कितना भी बेटर ऑप्शन है लेकिन इट्स ए रिस्की, इट्स बेटर ऑप्शन फॉर द यूएस सिटीजन नॉट फॉर द इंडियन। हाँ, अगर यूएस का ड्रीम है बच्चा 85-90% से ऊपर है तो जो केएमएचपी अप्रूव्ड है वहां पे भेजिए, जैसे स्पार्टन आप बोल सकते हो, सेंट जॉर्ज बोल सकते हो, लेकिन वहां पे आपका बजट होना चाहिए 85-90 लाख रुपीज। सिर्फ बच्चा कोई भी कंट्री में पढ़ाई करेगा, यूएस जाना होगा वो जा पाएगा, उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि उसको कैरेबियन में ही जाना पड़ेगा, एक साल का ड्यूरेशन वहां पर बढ़ जाएगा, 2 साल का बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चा जा पाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे को जाने में, लेकिन बजट भी वहां पे इजीली कम हो जाएगा, 85 के खर्चे तक जाएगा नहीं आपका बजट, वहां पे खर्चा आपका सीधा हाफ हो जाएगा, तो वो आपको सोचना है, खर्च भी कम करना है और बच्चे को बेटर प्लेस पे भेजना है। सो कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट करते हो, हर एक कंट्री वाइज भी हम लोग ये हमारा वीडियो बनाते रहेंगे, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है, कभी भी आती है, हमारा जो नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल्स है आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जस्ट आप मैं शो कर देता हूँ हमारा कहाँ पे, आप ये रहा ये नंबर पे आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 7227045048, और जो हमारा वेबसाइट है www.soptamo.org।
फिलहाल हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 28 ब्रांच अवेलेबल है. आपका कौन सा नियरेस्ट ब्रांच है वो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, जान लीजिए, वहां पे जाके एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए. इन फ्यूचर हमारे सेमिनार भी प्लान आउट हो रहे हैं हर एक सिटी के अंदर इंडिया के अंदर. अकॉर्डिंग टू दैट आप वो सेमिनार भी विजिट कर सकते हैं. हर रोज का हमारा इवनिंग में वेबिनार होता है, आप वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं. घर पे बैठे आपको कहीं भी सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हो और आपके जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हो. सो मैं राहुल पटेल फ्रॉम सॉफ्ट ऑफ एजुकेशन ग्रुप आपसे विदाई लेता हूँ. आपको जो भी डाउट हो, कभी भी हो इन फ्यूचर में, ऐसा नहीं है ओनली फॉर द मेडिसिन, इवन फॉर द इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, वॉट एवर कोर्स, वॉट एवर एजुकेशन रिलेटेड क्वायरी यू हैव, यू कैन आस्क. अगर मैं आपकी लाइफ के अंदर कहीं पे भी कैसे भी आपको हेल्प कर पाया तो उसमें मेरे को खुशी होगी. ओके, थैंक यू वेरी मच. फिर सेकेंड वीडियो का वेट कीजिए. हर रोज का हमारा कोई ना कोई अपडेट वीडियो आता रहेगा. आप वीडियो देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप जो लगता है कमेंट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा. ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.